नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। खबर है बिहार से। बेगूसराय में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के ख्याल से आज बेगूसराय मंडल कारा में छापेमारी की गई। बेगूसराय के डीएम तुषार सिंघला एवं एसपी मनीष के नेतृत्व में आज सुबह छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहे। छापेमारी के दौरान कोई विशेष आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद की गई है, लेकिन छोटे मोटे चाकू वगैरह बरामद किए गए हैं और इस संबंध में जेल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं डीएम तुषार सिंघला ने बताया कि छापेमारी के साथ साथ जेल का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें कैदियों को दी जा रही सुविधाओं एवं अन्य चीजों का भी अवलोकन किया गया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर सुरेश निकर की रिपोर्ट। जो यहाँ पे सेंट्रल जेल तो नहीं है, लेकिन जो हमारा बेगूसराय में जो डिस्ट्रिक्ट जेल है, इसमें जिस भी जो जितने कैदी हैं, जो यहाँ के स्टाफ कर्मी हैं, यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं, तो उनके साथ उनका जो किस प्रकार का यहाँ पे ये वातावरण है और कैसे ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसको लेकर ही आज निरीक्षण किया गया है। और यह नॉर्मली किया जाता है, इसमें कोई अन्य कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और इसमें जो भी सीजर होता है उसका भी पब्लिक किया जाता है, सीजर के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगा अगर कुछ इस प्रकार का है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है जेल में जो छापामारी का जो निरीक्षण था, वही है कि जेल में जो सारी जो व्यवस्था है, जो कैदियों को रखने की व्यवस्था है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, इसके साथ ही सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में भी सारी व्यवस्था ठीक रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की घटना ना घटे। और जो इनको बाद में पेशे के लिए भी लाया जाता है, कोर्ट में या कहीं इलाज के लिए लेकर जाया जाता है, उसकी व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया है। ओवरऑल जेल में व्यवस्था ठीक है, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भी कंसर्न विभाग को भेजी जाएगी। कुछ बरामद वगैरह भी की गई है? बरामदगी वो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, वो हम लोगों ने किया है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।